वेलकम टू माई चैनल SR ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरा ये ड्रेसअप देख के कि क्यों इतना सजी है। एक्चुअली आज है तीज और मेरे तरफ से आप सभी लोग को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे ससुराल में मेरा फर्स्ट तीज है मेरे शादी के बाद। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं वही दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना तीज अपने ससुराल में कैसे मनाती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेहंदी नाचने लागे हाथा में बनड़े रे नाम री आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी बाजे बाजे रे शहनाई ढोलक हारे नाम री बाजे बाजे रे शहनाई ढोलक हारे गाइस आप लोग देख ही सकते हैं मैं राज की दुल्हनियाँ लिखवाई हूँ अपने हाथों में। सो गाइस मेरा मेहंदी आरती दीदी लगा रही है जो बहुत ही प्यारा मेहंदी लगाती है। अगर आप लोग को इनसे लगवाना है तो मेरे से कमेंट करिएगा, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को दे दूँगी। मेरे भैया आए हैं मेरा तीज का सामान लेके। सो गाइस आज मैं यही पहनने वाली हूँ जो मेरे घर से आया है। ये ब्लाउज है, साड़ी, चूड़ी और मेकअप का सामान और ज्वेलरी वगैरह है जो आप लोग देखेंगे मेरे पहनने के बाद। तो यही सब चीज़ आया है जो कि मायके से आता है जब तीज करते हैं ससुराल में। तो हम लोग पूजा का थाली सजा लिए हैं। एक पूजा का थाली मेरे सासू माँ का है और एक मेरा है। ये सब चीज़ पूजा करने के बाद पंडित जी को दान दे दिया जाता है। तो यही है थाली, आप लोग भी देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। सो गाइस मैं अभी अपने पाँव में आलता लगा रही हूँ। पूजा पाठ में आलता लगाना ही चाहिए, अच्छा लगता है और शुभ भी माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूजा पाठ में आलता मतलब लगाते लगाना चाहिए, अच्छा लगता है। अभी तीज है तो तीज में और भी हम लोग को ये सब चीज़ नेल पॉलिश आलता ये सब लगाना ही चाहिए। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैंने पहना है टीका, नथिया, ज्वेलरी, चूड़ी और ये मेहंदी भी लगाई है और मेरा ये साड़ी। तो आप लोग बताइएगा मेरा साड़ी कैसा लगा आप लोग को। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं पूजा स्टार्ट हो गया है। तो जितना भी थाली में फ्रूट्स वगैरह नियम करने का सामान था सब हम लोग भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। ऐसे दो घंटा तक हम लोग का पूजा चलेगा, उसके बीच हम लोग तीज का कथा सुनेंगे और उसके बाद ही ख़त्म होगा पूजा।
और मेरे हस्बैंड दोनों सासू माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ में फ़ोटो भी क्लिक करा रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। सो फाइनली पूजा ख़त्म हो गया हम लोग का, तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे रात को थोड़ा सा घूमने के लिए, बिकॉज़ पूजा वूजा ख़त्म हो गया तो सोचे कि चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो पीछे बैठी है मेरी सासू माँ, सामने में साइड में मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग गए हैं लामडिंग रोड घूमने। बहुत ही अच्छा लगता है रोड रात को, तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा। कैसा लगा मेरा तीज का ब्लॉग? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा तीज का ब्लॉग। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। मैं अपने तीज में बहुत ज़्यादा मस्ती की, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए रात को और फिर मैं अपने सासू माँ, मेरे हस्बैंड सबके साथ हम लोग बहुत इंजॉय की, बिकॉज हम लोग के घर पे सिर्फ तीन ही लोग हैं, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प किए हम लोग को, बिकॉज हम लोग व्रत में थे तो कुछ कुछ संभाल लाना, कुछ ठीक करना, बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। सो मुझे बताइएगा आप लोग कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो ला पाऊँ आप लोग के लिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ आज का। बाय बाय।